नमस्कार दोस्तों, सीमा गुप्ता लाइफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल का हलवा, वो भी बिना भिगोए। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने इतना एक कटोरी से कम मूंग दाल ली है और इसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। अगर जो आप तुरंत बनाना चाह रहे हों तो इसे न धोएं और सुखाएं, तो इसे पोंछ लीजिए किसी कॉटन के कपड़े से। तो मैंने इसे धोया था और सुखा लिया था, तो चलती हूँ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब इसी में मैं दाल को डाल दूंगी और इसे भूनूंगी एकदम मीडियम आंच पे। हम इसे ऐसे ही धीमी आंच से भून लेंगे। इसका ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, केवल थोड़ा सा सोंधापन आ जाए, बस हमें इतना ही भूनना है मूंग दाल को। तो हम चलो ऐसे ही भून लेते हैं धीमे धीमे आंच पे। ये देखिए हमारी दाल हो चुकी है। अब इसी में मैं डाल दूंगी दूध। ये देखिए हमारी दाल हो चुकी है। अब इसी में मैं डाल दूंगी दूध। ये देखिए दूध मैंने डाल दिया है गरम दाल में। तो अब मैं इसे 2 मिनट तक पकने दूंगी। तब तक मैं इसे कवर कर रख देती हूँ और इसे मीडियम आंच पर पकने दूंगी। ये देखिए हमारी मूंग दाल हो गई है। इसे हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, केवल ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ताकि ये पिस जाए। बस मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी, तब मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने रख लिया है कढ़ाई, तो इसी में डाल दूंगी आधी कटोरी चीनी में। तो चीनी मैंने अपने हिसाब से ली है, आप जैसा मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास के लगभग पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैं डाल दूंगी 2 इलायची, मैंने छीकर समेत डाली है क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, आप चिकन को मत फेंकिए। और इसमें एक चीज़ मैं और डालूंगी, सीक्रेट चीज़, अभी आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर 2 पिंच हल्दी डाल देती हूँ, इससे हलवे का स्वाद खराब नहीं होगा, ये चाशनी में पक जाएगा और इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत लोग केसर के धागे डालते हैं, तो मेरे पास नहीं है। जिसके पास नहीं अवेलेबल है वो हल्दी डाल सकता है। ये देखिए इसका कलर अच्छा आया है। अब इसे हम थोड़ा पकने देते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है धोकर फिर से। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी घी, इसी तो इसे गर्म होने दूंगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट लेती हूँ, काजू और बादाम लिया है मैंने। आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, तो मुझे तो पसंद है, तो मैंने ले लिया है डालने के लिए। इसे मैं हल्का सा रोस्ट कर दूंगी। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। यहीं पे मैं दाल जो पीसी थी मैंने उसे डाल लेती हूँ। ये देखिए मैं इसे अच्छे से भून लूंगी जब तक ये थोड़ा सा भुरभुरा ना हो जाए। यहीं पर डाल दूंगी जो मैंने चाशनी पर बनाया था। तो इसे मैं इसी में डाल दिया चाशनी को। अब इसमें मैं इसी तरह पकाऊंगी। ये देखिए ये वैसे हुआ है, तो ऐसे मैं कर लूंगी तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। देखिए पकते पकते हमारा
हुआ इस तरह का हो गया है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरीके से जरूर बना कर देखना। ये देखिए हलवा हमारा हो चुका है कितना अच्छे से। तो यहीं पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी और इससे और स्वाद बढ़ जाएगा। घी को मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से, इसे मिला दूंगी हल्का सा और पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे मैं सर्व करने से ही तो आपको लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया, हमने इसे सर्व कर लिया। कितना अच्छा ही लग रहा है खाने में। ये देखिए आप इसे सर्दियों में बनाकर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरीके से। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।